नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिवादन करता हूं। इस वक्त मैं राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर और जयपुर के सेल्वी हॉस्पिटल, सेल्वी हॉस्पिटल एक जाना पहचाना नाम, घुटना प्रत्यारोपण में एक विशेष नाम सेल्वी हॉस्पिटल का आप जानते हैं, और जयपुर में इसकी शाखा चल रही है और जयपुर में मैं हूँ। और मैंने देखा है कि बहुत सफल ऑपरेशन, बहुत अच्छी देखभाल और बहुत योग्य चिकित्सकों की एक पूरी टीम सेल्वी हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करते हुए, और ये खास जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि घुटना प्रत्यारोपण के बाद में मरीज को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सेल्वी हॉस्पिटल की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता जगर। डॉक्टर अर्पिता जी हमारे साथ हैं। अर्पिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम अपने व्यूवर्स को यह बताना चाहते हैं कि घुटना प्रत्यारोपण का ऑपरेशन होने के बाद में क्या विशेष देखभाल, क्या विशेष जानकारी मरीज को और मरीज के परिजनों को पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो शेल्वी हॉस्पिटल है ये बिल्कुल ही डिफरेंट ऑपरेशन कर रहा है। जैसा कि आपने सुना, उस जीरो टेक्निक से। जीरो टेक्निक मतलब कि छोटा इंसिजन, कम ब्लड लॉस और कम ही फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट वो आएगा, प्रोटोकॉल चलता है इसमें, जिसमें कि 15 दिन ही हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप बाहर देखेंगे नॉर्मली केसेस में 6-6 महीने हो जाते हैं लोगों को फिजियोथेरेपी लेते लेते, लेकिन हम यहाँ पे पहले दिन ही पेशेंट को खड़ा कर देते हैं। वी मेक द पेशेंट मोबाइल और विद इन 7 डेज उनको चला के प्रॉपर धीरे 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 डिफरेंट डिफरेंट उससे प्रोटोकॉल से देन उनको स्टेयर्स चढ़ा के देन उनके घर पे भेजते हैं, ताकि कि एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, बहुत सही, प्लस उनका क्या धीरे धीरे मतलब उसमें जो मसल पावर है वो इंक्रीज करते हैं। तो पहले हम जो मसल स्ट्रेंथनिंग है उस पे हम डील करते हैं, जैसे कि मेनली क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ये सब मसल्स जो वीक हो जाती है, प्रॉपर SLR आ रहा है या नहीं आ रहा है इस पे वर्क करते हैं पेशेंट के। और उसके बाद जाके उनको पहले तो कॉन्फिडेंटली उसे चलाएंगे हम वॉकर से, ताकि पेशेंट को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अगर SLR आ रहा है मतलब स्ट्रेट लेग रेजिंग हो रहा है, नॉर्मली हमारे फिजियोज जानते हैं कि स्ट्रेट लेग रेज हो रहा है तो सारी मसल्स मतलब घुटने को प्रॉपर झेलने के लिए तैयार है। उसमें क्या है, हम फिर ब्रेसेस जो अप्लाई करते हैं पहले वो हटाते हैं जी। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को पहले जो वॉकर है उससे मतलब चलाते हैं, ताकि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उसके बाद वॉकर से उनको स्टिक पे लेके आते हैं। तो हम यही हम चाहते हैं, हमारा पेशेंट इंडिपेंडेंटली मोबाइल होके घर जाए। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि 6-6 महीने की फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं, नहीं हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 15 डेज की फिजियोथेरेपी में हम लोग कम्प्लीट करा देते हैं, जिसमें कि स्टिचेस रिमूवल के बाद की भी फिजियोथेरेपी आ जाती है। मुझे ये बताइए कि कोई विशेष जो खान पान से संबंधित है, लोग कहते हैं कि वजन ज्यादा बढ़ने से घुटनों पर प्रभाव पड़ता है। नहीं क्या? नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। कई बार जेनेटिकली होता है, कई बार वेट से भी होता है, कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे भी होता है कि कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सर्शन हो जाता है जी, जिसकी वजह से अपन प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं। अपना क्या मेन रूटीन रहता है भागने का, तो उसमें प्रोटीन डाइट और कैल्शियम डाइट बहुत जरूरी है। और क्या होता है कि वो उस टाइम जब हम लोग वर्किंग में होते हैं, हम ध्यान नहीं रख पाते कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मेनली क्या, कैल्शियम और प्रोटीन को अपनी डाइट में एड ऑन करें। और दूसरी बात ये कि जब अपन भागना है या चलना है, मेन अपना हेल्थ है, तो एक तो हाइट के अकॉर्डिंग अपना BMI के अकॉर्डिंग वेट जो होता है वो मेंटेन करके रखें। इसका मतलब कम भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। BMI के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम चलता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर ज्यादा होगा तो अपने नीज पे प्रेशर आएगा। और दूसरा क्या है कि आजकल जो होता है कि जो अपने जो फ्लोर्स है बहुत ज्यादा मतलब वो है हार्ड है, तो उसके ऊपर अपने स्लिपर्स जो अपन वेयर कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब शूज का इफेक्ट है, बिल्कुल शूज का भी, सोल्स का भी इफेक्ट, जो हील्स जो फैशन में जो आजकल लेडीज लोग पहनते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि हील्स की वजह से कितनी सारी दिक्कतें आती है, एंकल इंजरीज वगैरह जो मेनली। आप ये संदेश देना चाहती हो कि हील्स महिलाओं के लिए थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए, और जहां तक है अगर अपन जो शूज या स्लिपर्स वेयर कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट सोल का हो। हम लोग जैसे स्केचर्स प्रेफर करते हैं, स्केचर्स एक कंपनी है, बहुत बेस्ट कंपनी है सोल शूज के लिए, तो हम वो प्रेफर करते हैं बिकॉज दे मेंटेन अ प्रॉपर
जो सॉफ्ट सोल होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम शेल्बी में तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप स्केचर्स के शूज या स्लीपर्स पहने। अच्छा हम अच्छा ब्रांड को वो नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी हम बिल्कुल उसको बिल्कुल, प्रमोट मतलब करते जो हैं। मरीज के लिए अच्छा होना या चाहिए, मरीज जो के, लोगों के हमारे लिए लिए अच्छा नहीं, होना ये चाहिए। एक्चुअली के पेशेंट के लिए जो अच्छा है बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी होना चाहिए। खान पान में जैसे एक बात कही जाती है कि या हड्डियों में जो आपका तेल है, ऑयल है, ऑयल वो है, खत्म हो जाता है, ग्रीस तो उसके खत्म होता लिए है मेनली। क्या ग्रीस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने क्या दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, जी। धीरे 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 वो घिसता चला जाता है। जैसे वो घिसता चला जाता है तो बोन क्या होती है कि रगड़ खाना शुरू करती है। रगड़ खाना ऑस्टियोफाइट्स प्रोवाइड होते हैं। उसके ऑस्टियोफाइट्स बनने के बाद जो ये पेन की जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट होती है। तो मेनली क्या है कि ये होता है कि एक तो इंडियन टॉयलेट अपन यूज नहीं करते। हाँ, इंडियन ये टॉयलेट की इसका मतलब ये जगह जो इस तरह से बैठना भी ठीक नहीं बिल्कुल है। सही नहीं है। इंडियन टॉयलेट अपन अवॉइड करें, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें। जब अपन इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं नी पूरा एक्सपोज होता है, जी तो धीरे धीरे क्या होता है कि कार्टिलेज पूरा घिसता चला जाता है। जैसे अच्छा, वो घिसेगा तो क्या होता है कि बोन की मतलब जो बीच में स्पेस है वो खत्म होती तो जाती इसके है। खान पान में जो अखरोट वगैरह है ये जो बिल्कुल, है ये, प्रोटीन हाँ और कैल्शियम प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन दिस। तो ये अपने को प्रॉपर प्रोटीन और कैल्शियम डाइट रखनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। व्यूवर्स देख रहे थे, मेरे साथ डॉक्टर अर्पिता जी थे हाँ, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां हम सबके लिए पहुंचाई। और एक मैं जानकारी और देना जी चाहूंगी जो ऑपरेशन करा चुके हैं उनके लिए। जी मेनली क्या होता है कि टीकीआर के बाद फॉल डाउन का बिल्कुल मतलब वो होता है कि हम लोग ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप गिरे, गिरना अवॉइडेड है, बिल्कुल गिरना नहीं है। तो जी उसके लिए क्या होता है कि हमें हमारे पास जो केसेस आते हैं कि हम रात को गिर गए, क्या होता है हम सो रहे होते हैं, सोने के बाद जैसे हम जगते हैं हमें पता नहीं चलता कि अपने जो नीज है वो ऑपरेटेड है, बिकॉज अच्छा। अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। इसमें एक तो आप लाइट जला के रखें, अपनी कोई भी छोटी लाइट अपने जैसे टॉयलेट्स के आसपास रखें ताकि जब आप उठें, और एक अपने साथ जब तक मतलब 3 मंथ्स नहीं हो जाते किसी को सुलाएं ताकि वो आपकी प्रॉपर केयर कर सके। केयर करे, आप ऐसे या हड़बड़ा के ना उठें। नहीं, बिल्कुल हड़बड़ा के रात को उठता है इंसान, तो अपने साथ कोई ना कोई वो होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मेनली जो बिल्कुल, केसेस आते हैं वो नाइट फॉल्स के ये तो आते हैं। आपने इसके लिए दिया है। कल या मेरे पास एक पोस्ट आई बिल्कुल, थी कि या 3.5 मिनट जब तक आप रात को बिल्कुल जगें तब अपन तक आप, नहीं उठे। हाँ और मैं रिकमेंड करूंगी जैसे जो टीकेआर वाले पेशेंट्स हैं पहले अपने पंजे चलाएं ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, थोड़ा सा अपने को टाइम दे, उसके बाद उठे। एकदम से वॉशरूम के लिए नहीं उठे रात को। बहुत खूब। डॉक्टर अर्पिता जी का बहुत बहुत आभार, हमारे लिए विशेष जानकारी, घुटना प्रत्यारोपण के बाद विशेष सावधानी की बात उन्होंने कही, और भी जिनके जो यूथ हैं जिनको ये प्रॉब्लम न हो भविष्य में, इसके लिए भी इन्होंने प्रॉपर डाइट की अपनी एक बात कही। एक्सरसाइज नियमित कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, वेट का ध्यान रखिए, न तो कम रहे न ज़्यादा रहे। हील चप्पल पर भी कही, जूतों के सोल पर भी कही, बहुत कम समय में बहुत अच्छी और सटीक जानकारी देने के लिए डॉक्टर अर्पिता आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत नमस्कार।